गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, कहिए मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अरे ऐसा आप बोलिए। हाँ तो ये मैं ही बोला। जज साहब इन्हें ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम असल में एक खतरनाक गुनेगार है, जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर प्रफुल्ल पारे। मैं हूँ प्रफुल्ल सर। पता है। हाँ तो मिस्टर पारे, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। आप वकील हैं? शुरू। मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला क्लोक पहना है, तो मैं वकील ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं। हा? हो सकता है जादूगर हूँ और इसलिए ये लंबा काला कोट पहना हो, केलाल की तरह, है ना? जादूगर केलाल लाल रंग का क्लोक पहनते हैं और ये काला है। हाँ तो आप काला जादू करते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर डीसीएस प्लीज। हाँ तो आपका नाम? प्रफुल। आपका? पंडित, एडवोकेट पंडित। पंडित मतलब यूपी वाली पंडित फैमिली? मेरी फैमिली कर्नाटक में है। अच्छा अच्छा, लुधियाना। मैंने कहा मेरी फैमिली कर्नाटक में है और लुधियाना कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है? पंजाब में। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा आपकी फैमिली कर्नाटक में है। हाँ तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो फिर पंजाब में है, ऐसा क्यों कहा? शे, शे। लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है। कैसे हो सकती है? जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं हो सकती ना? कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में। लुधियाना में, पंजाब में है। कौन? मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। क्या हुआ आपकी फैमिली को? मिस्टर प्रफुल्ल, उसकी फैमिली सलामत है, पंजाब में है। कर्नाटक में? ओके ओके। हाँ गैंगटॉक। देखो गैंगटॉक। चुप चुप। ओके ओके भाई। हाँ गैंगटॉक में, गैंगटॉक में। अब मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछूंगा और आप सही सही जवाब देना। तो आप अदालत को ये बताइए कि मिस्टर हिमांशु आपके क्या लगते हैं? मेरा साला वकील साहब, हिमांशु मेरा साला है। मेरी अंसा का भाई। तक, 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 तक। हाँ केटर अरे ताक इत्र ताक धिन। हाँ खाना बहुत अच्छा पका था। तक, 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 तक। और सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। ताक इत्र ताक। ओके आलू तक, तक, तक। बैंगन गोभी। हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। नहीं मटर नहीं, मटर छिलता है। गोभी का ऑर्डर ऑर्डर। मिलोड़ी आदमी। मैं जा। सामने वाले वकील को तो प्रफुल्ल ने लाल पीला बना दिया। प्रफुल्ल भैया तो सिर्फ हमारे तीर कमान थे बाबूजी, अब छूटेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। क्या मानेंगे कि हंसा चाची BA LLB हंसा बारी के? हालांकि जिस कॉलेज से मम्मी ने BA LLB पास किया था उस कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे नाना जी थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर मम्मी के चाचा जी थे, और मम्मी के बदले पेपर लिखने बैठी थी जय श्री चाची। सबसे पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हा? हिमांशु। ये आपका पूरा नाम है? हा? पूरा का पूरा मेरा ही है। पूरा का पूरा हिमांशु का है, इसे नोट किया जाए। नोट किया जाए? हाँ, तो जिस दिन आप चक्कू सिंह के घर गए थे उस दिन आपने क्या देखा था? सुबह मैंने स्टार प्लस का विदाई देखा था और शाम को अमिताभ बच्चन की पिक्चर अदा कानून। हमने साथ में देखी थी। नहीं अरे डोंडा बोट, ये नहीं, चक्कू सिंह के घर पे पहुंचने के बाद तुमने क्या देखा? वहाँ हमने टीवी चालू ही नहीं किया तो देखेंगे क्या? ए जज, ऐसे किसी के घर पे जाते हैं तो खुद जाके टीवी नहीं चालू करना चाहिए, ऐसा सिखाया है हमारे बच्चों ने हमें। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। मर गए।
ऑर्डर का मीनिंग है मैं उनादत साहब ऑर्डर अंसा अरे हम वो भूत वाली फिल्म की शूटिंग देखने गए थे वहाँ वो दिग्दर्शक हीरोइन को समझा नहीं रहा था कि तू कम डर रही है तेरे सामने भूत खड़ा है तू ऑर्डर ऑर्डर एक मिनट तुम दोनों तुम्हारी लैला मजनूगिरी बंद करो वरना मैं तुमको ऑब्जेक्शन प्रफुल्ल का देव वो जज है जज मेरी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते आप और फिर प्रफुल्ल आपको तो कितना डर लगता है डॉक्टर से ऐसे ऑब्जेक्शन लेते हुए हंसा बेन हाँ डॉक्टर उनको मारते हैं ना उसको ऑब्जेक्शन नहीं कहते हैं उसे तो टेबल कहते हैं है ना टेबल है ना तुम्हारा डॉक्टर तुमको टेबल मारता है कभी कभी कुर्सी भी कुर्सी और फिर भी मैं वहाँ से नहीं गया तो कोई मरीज उठा के मुझे मारता ऐसा चीचा जी हाँ क्यों याद नहीं उस दिन वो मारवाड़ी लड़का लगा था प्रफुल्ल के सर पे ऐसे मिसेस हंसा चुपचाप मुके दबा लड़िए अच्छा अब चच गया पारा के भाव में सब अचानक गूंगी क्यों हो गई मेरे मग 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 में जिप जिप होती है मग को जानता मैं मुझे अब ये बताओ कि तुम उसको सारा इशारे से क्यों समझा रही थी क्योंकि आप ही ने तो कहा कि हंसा चुपचाप मुकदमा लड़ो ओह माय गॉड अरे बोलती हूँ तो कीट पीट नहीं बोलती हूँ तो कीट पीट बोलो 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 मत मत बोलो आप कहते हैं कि बोलो हाँ तो हिमांशु जब मेरे प्रफुल्ल और ये इंस्पेक्टर चक्कू सिंह के घर पे आए तो उन्होंने कमरे में क्या देखा उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में छुरा है और चक्कू सिंह के पेट में छेद है बड़ा ओ छेद फिर क्या हुआ फिर इसी इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की करोनर मैंने तारीफ कब की क्यों आपने नहीं कहा हिमांशु हैंडसम हैंडसम फिर शुरू होगा मेरी गो राउंड हंसा भाभी हैंडसम और हैंडसम के बीच में गड़बड़ कर रही है चलिए चलिए शट अप तो कमीज ऊपर करने का इंग्लिश शब्द है जॉर्ज अच्छे भाई ओके ओके हैंडसम मतलब सुपक अच्छा दिखने वाला आदमी हाँ अभी समझा इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की अरे लेकिन नहीं की हैं तो इससे साबित क्या होता है यही कि हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा नहीं मारा है कैसे अगर हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा मारा होता तो ये इंस्पेक्टर हिमांशु की तारीफ करता बोलिए क्या क्या बोलूं साहब आप ही बोलिए 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 जीते जीते वाह वाह मेरी हंसक कली क्या केस लड़ी हो ए तारीख पे तारीख दामिने लेडीज सनी देओल ए हो गया साबित हो गया हो गया मेरी बात चल इवेंट से हां चलो चलो ए जीत गया अरे क्या चल हिमांशु बंद करो जज साहब रोकिए इन्हें आते भाई इस हिमांशु ने चक्कू सिंह की धन दौलत हथियाने के लिए बड़ी बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की है एक हाथ में छुरा साइड में अधमरा इंसान और छुरे पे उंगलियों के निशान अब क्या हुआ ऐसे कुछ भी मत बोल ब्लैक एंड व्हाइट कोरोनर बोलो हिमांशु चाहकर भी चक्कू सिंह की दौलत नहीं हथिया सकता था हाँ क्योंकि उसने तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत गरीबों में बांट देना यही मेरी आखिरी रवाइश है ऐसा लिखा है अपनी आत्महत्या की चिट्ठी में हेलो चक्कू सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी आत्महत्या दिखा जज को चिट्ठी दिखा ए जज देख हाँ ये देख देखिए क्या है दिखाता है फिर खुद देखता है मैं अपने आप को चक्कू मार रहा हूँ
मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत दान में दे देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है चक्कू सिंह। नहीं हिमांशु, ये रवाइश नहीं, ये ख्वाहिश लग रही है। ना बड़ी बहन, आर फोर डोसा। अरे आर फोर डोसा नहीं, डी फोर डोसा। हाँ। मैं मसाला डोसा की बात कर रहा हूँ। तो फिर एम फोर मसाला डोसा आएगा, आज कहाँ से आया? वो रवा मसाला डोसा निकला तो।